अमरोह जिले की रहने वाली शबनम को फांसी की सजा सुना दी गई है। दरअसल 14 अप्रैल 2008 को प्रेमी सलीम सहित शबनम ने परिवार के सात लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के अमरोह से महज 20 किलोमीटर दूर बानखेड़ी गांव की है। शबनम एक सूफी परिवार की रहने वाली हैं। शबनम के पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे। शबनम खुद MA पास हैं। वहीं सलीम पांचवी फेल है और पेशे से मजदूर था। शबनम और सलीम प्रेम संबंध में थे, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था, जिसके बाद 13-14 अप्रैल की रात शबनम ने सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के सात लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। कत्ल इतना बेरहमी से किया गया था कि आज भी घर उस घटना का गवाह है। इस घटना को 12 साल हो गए हैं। 13वें साल में शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई गई, जिस पर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। शबनम के केस की अगुवाई कर रहे वकीलों ने दोबारा दया याचिका दायर की। शबनम के 13 साल के बेटे ने भी राष्ट्रपति से फांसी को रोकने की गुहार लगाई। बेटे ने कहा कि मेरे राष्ट्रपति अंकल से अपील है कि माँ को फांसी की सजा ना दें, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं शबनम ने UP की राज्यपाल को दया याचिका दायर की, जिसे पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया, जिसके बाद शबनम की फांसी की तैयारी चल रही है। 150 साल पुराने मथुरा के फांसी घर में 78 साल बाद किसी को फांसी दी जा रही है। ये फांसी घर अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। अब शबनम के लिए इसकी मरम्मत हो रही है। बताया जा रहा है कि निर्भया हत्याकांड के कातिलों को फांसी देने वाला पवन जल्लाद ही शबनम को फांसी पर चढ़ाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डेथ वारंट जारी नहीं किया। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी।